नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज है खरना, तो खरना के पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। देखिए दोस्तों, सब कुछ समेट लिया हूँ। देखिए चूल्हा भी पोताई हो गया है, चूल्हा भी पोताई हो गया है और सारा कुछ रख दिया हूँ। ये सब समेट समेट दिया हो। यहाँ पे मेरे बिस्तर चटाई बिछा के यहाँ पे सोई थी, तो सब हटा दी हूँ। और अब मेरे ये साड़ी कल पहन के खरना करी थी तो इसको धो धा दी थी रात में ही, तो अभी समेट समेट के रख दी हूँ ये भी। और यहाँ पे पोछा ओछा सब पूरा लगा दी हूँ, अब यहाँ से धोऊंगी पूरा। और ये सारा बर्तन जो है अभी माँजूंगी, क्योंकि लकड़ी में बना है ना तो पूरा काली हो गया है। और ये तावा भी माँजना है, ये सब निकाल के रखी हूँ, अभी यहाँ पे माँजूंगी और उसके बाद जाऊँगी नहाने। तो ये सारा धोऊंगी, सब हटा दूंगी जूता चप्पल सब। तो चलिए धोती हूँ पहले। तो दोस्तों, धो धा के नहा धुआ के आ गई हूँ और अंदर रूम में, मतलब हमारा मंदिर में पूजा उजा कर ली हूँ। अब यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ खरना का। तो ये आटा निकाल ली हूँ, अब आटा निकाल के और नीचे से पानी भर के लेके आई हूँ ऊपर। और अब आटा सानूंगी, सान के तैयारी करती हूँ खरना का। तो आप देखते रहिए वीडियो। तो चलिए, तो दोस्तों ऊपर बना लेती हूँ पूजने भर और नीचे भी बनेगा। तो नीचे देखती हूँ नीचे कितना बनता है, वह नीचे बना के उसके बाद पूजा शुरू करूँगी। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए पूजा वाला वीडियो अलग दूंगी। ये हाँ, जहाँ तक हम बना रहे हैं प्रसाद वहीं तक का वीडियो बनेगा। तो प्लीज़ दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा वीडियो। तो चलिए, आटा हो गया है हमारा गुथा हुआ। तो दोस्तों अब ये ना गुड़ है, तो गुड़ पिघलने में गुड़ के खीर बनेगा, दूध दूध और गुड़ से खीर बनेगा। तो ये खीर ना पिघलने में, दूध मतलब ये गुड़ पिघलने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए कद्दूकस कर लेती हूँ। तो एकदम पूरा अच्छे से हो जाएगा और डालने के तुरंत वो पिघल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए कद्दूकस कर लेती हूँ और आइडिया भी मिलेगा देने के लिए। तो पूरा कद्दूकस कर लेती हूँ। ऊपर मैं आधा किलो चावल का ही बनाऊँगी और गुड़ भी उतना ही डालूँगी। तो देखती हूँ कैसे बनता है। तो चलिए वीडियो को। दोस्तों कद्दूकस करा हुआ हो गया, अब जो कद्दूकस था उसको पानी में फुला दिए ताकि आसानी से धुल जाएगा गुड़। और अब जा रही हूँ चूल्हा पूज दूँगी। यहाँ पे देखिए चूल्हा पूज रही हूँ और चूल्हा पूजने के बाद ही आग जलाऊँगी अगरबत्ती दिखा के, तब शुरू करूँगी प्रसाद बनाना। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।
लेट हो गया ना। बोलिए मैं दीदी को देरी करी होगी तो मैं बोलेगी चलो सब बोलेगी थोड़ा बना दे तो थोड़ा खीर बना दे तो ठीक कर दे। आपकी वाला ना बहुत टूट गई है बहुत ज्यादा ही कमजोर लगता हाथ हाथ को कुछ थोड़ी करना है बोलिए मैं मसाज कर दूध को इसी में गर्म करते हैं इसमें ढाल लूंगी वीडियो में कितना छोटा छोटा पतीला दिख रहा है पतीला है बड़ा बड़ा ये लोग रोटी बनाए पता नहीं देखना हम लोग धोए भी है कि क्या चीज किचन में जाओ ना किचन में सब कुछ है नीचे वहीं चाचा से पूछ लेना थोड़ा ही बना दो तो ये घर में बनाएगी तुम बनाना वहाँ पे दाल घोटनी भी रखा हुआ बेलना भी रखा हुआ है उसमें ठीक चकला तो जो पत्थर लगा हुआ है उसको पोछ देना उसी से बेल लेना उसी में आराम चलो इतना तो मदद हो गया आई तो बहुत अच्छा बन गया बेलते जब बनाते जब बेलते जब बनाते जब बहुत ही है ना टाइम लगता है ये बनाने में भी तो टाइम लगता है हाथ से ऐसे दोनों को बिना कैसे चकवा कर ले ऐसे तो कर देता हूँ लेकिन कर देता जल्दी हो गया कितना बड़ा 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 बना लेती हूँ तो बड़ा बड़ा हो जाएगा ऐसे बोल रहे हैं हाँ ऐसे करके यहाँ से जो भेजी वो खत्म कर दी ना वो इतना समय दो तीन महीने का बना लो हाँ बना लो अब पहले वाला रख दू पहले वाला भी इतना था वो भी इतना दोनों
बना दो ना, उतना फर्क क्या कर दो। तो पूरा बन गया है हमारा, दोस्ती रोटी भी बन गया और खीर बन गया और नीचे भी बन गया है। तो यहाँ पूरा साफ सफाई कर देती हूँ और रोटी अलग अलग कर दी हूँ और सब सरिया के और साफ सफाई करके उसके बाद नहा के साड़ी पहनूंगी, उसके बाद फिर पूजा करूँगी, खरना पूजूंगी। तो खरना वाला वीडियो कल देखिएगा ज़रूर, और ये वाला वीडियो पूरा कंप्लीट देखने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, फिर मिलूँगी अगला कोई अच्छा सा मतलब खरना वाला वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और छठ पूजा वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो बाय बाय दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए और जय छठी मैया।